इस युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली और देश को विजय देने वाली जो बोफोर्स तोप है उसको आज नजदीक से देखने का मौका मिला गाजियाबाद के लोगों को। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बोफोर्स तोप है जो कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन पर जिसने विजय पाई थी और अपने आप में उस वक्त जो सेना थी, सेना के जवानों का अपने आप में मनोबल बढ़ाने वाली और पूरी तरह से देश को विजय दिलाने वाली ये बम को आज बच्चे देखने के लिए पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आपके बच्चों ने किस तरह का अनुभव किया, आपने क्या देखा यहाँ? आपने क्या देखा, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैंने टैंक गन्स मिलिट्री वेस्ट देखी और उनकी गन्स मास्क देखे और मैंने उनकी सारी गन्स उठाकर देखी। सेना की सैन्य सामग्री को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जी, क्या देखा आपने बेटा? मजा आया जी, बच्चों को घुमाने के लिए आया, किस तरह लगता है आपको नई चीजें? बेसिक आइडिया है कि आर्मी में जाने से मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे, वरना अदरवाइज हमारी आर्मी क्या कर रही है, बच्चों को तो टीवी से पता चलता था। पहली बार देखने का मौका मिला, आज सुनने का मौका मिला, बोफोर्स के ऊपर चढ़ने का मौका मिला। मैंने भी मतलब इतने साल से बोफोर्स सुन रहा था, लेकिन आज पहली बार बोफोर्स को पास तक खड़े होकर देखा। आर्मी के उन बड़े शस्त्रों को जिनको सिर्फ टीवी अखबारों में देखा जाता था, आज बच्चे खुद उनको देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, यानी सेना के प्रति बच्चों का मनोबल भी बढ़ रहा है और रुचि भी बढ़ रही है। आखिर जिस इलाके में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज रावत साहब हमारे साथ हैं। जी, आपने शिप्रा मोल में इसका आयोजन कराया है, कितना महत्वपूर्ण है? ये यहाँ के लोगों के लिए इसको बहुत बड़ा अच्छा अनुभव था कि यहाँ के लोग नॉर्मल परचेजिंग के लिए आते थे, पर इसके अलावा इनको कुछ एक्स्ट्रा एक एंजॉयमेंट मिला यहाँ पे, कुछ सीखने को मिला। प्लस जो वेपन ये दूर से ही देखते थे या टीवी में देखते थे, उसको इन्होंने टच करके या उसमें बैठ करके उसको हैंडल किया, तो ये उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ एक हमारे मॉल के लिए भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि लोगों ने जाना, गाजियाबाद के लोगों ने इसको जाना कि यहाँ भी सिप्रा मोल है और जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ। साथ ही साथ इसमें सिविल अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा हाथ था और आप लोगों का भी, जिससे कि इस कार्यक्रम को हम एक अच्छे प्रकार से पूरा कर पाए। सेना के शस्त्रों की प्रदर्शनी को जिसने भी देखा सब ने यही कहा कि ये होता रहना चाहिए, आखिर इससे बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और सेना के प्रति उनकी जो मन में जो बात आती है उसके प्रति रुचि बढ़ती है। करण वीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।